तो आप लोगों ने दोस्तों फोन के स्पेसिफिकेशंस में बहुत बात देखा होगा, स्टॉक एंड्रॉइड कस्टम यूआई। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को समझाने वाला हूँ क्या होता है स्टॉक एंड्रॉइड, क्या होता है कस्टम यूआई, क्या है इन दोनों में डिफरेंसेस और कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं आपको, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ेगा तभी जो मैं आप लोगों तक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे पूछना चाहते हैं, या फिर कुछ भी डाउट्स है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जरूर से उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, और हो सके तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। से ये क्वेश्चन पूछा था तेजस भाई ने कि कौन सा बेटर रहता है उन लोगों के लिए, स्टॉक एंड्रॉइड या फिर कस्टम यूआई, क्या क्या है इन दोनों में से डिफरेंस। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्या होता है स्टॉक एंड्रॉइड। तो आप लोगों को पता होगा एंड्रॉइड गूगल का प्रोडक्ट है, एंड्रॉइड का जो मेन डेवलपर है दोस्तों वो है गूगल। तो गूगल दोस्तों जो एंड्रॉयड डेवलप करता है उसको अगर एज इट इज आपके फोन में दिया जाए तो उसको कहलाता है स्टॉक एंड्रॉयड। तो ये हुआ स्टॉक एंड्रॉयड। अब बात करते हैं दोस्तों क्या है कस्टम यूआई। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों एंड्रॉयड जो है वो है ओपन सोर्स, यानी कि एंड्रॉयड में कोई भी जो है अपने तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है, अपने तरीके से चेंजेस कर सकता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। तो इसीलिए दोस्तों कंपनीज क्या करते हैं, अपने तरीके से उसको कस्टमाइज करते हैं, एंड्रॉयड को नाम चेंज ना किए एंड्रॉयड को कस्टमाइज करते हैं, अपने तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, अपने ऐप्स डालते हैं, और उनको लगता है ये जो दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो फीचर्स है, ये जो ऐप्स है, उनके यूजर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, फायदेमंद रहेगा, और उनके जो यूजर बेस है दोस्तों उसको माइंड में रखते हुए ये एप्स और ये फीचर्स वो कंपनी है दोस्तों वो बनाता है। और यूजर इंटरफेस जो है दोस्तों, यानी कि यूआई, यानी कि यूजर, यानी कि आप जिससे इंटरैक्ट करते हैं उसको थोड़ा कस्टमाइज करता है, थोड़ा स्टाइलिश बनाने की कोशिश करता है, और थोड़ा यूनिक लुक देने की कोशिश करता है, जिससे कस्टमर्स को पता चले कि ये यूआई इस कंपनी का है। तो ये हुआ कस्टम यूआई। कस्टम यूआई की अगर मैं एग्जांपल दूं दोस्तों, शाओमी का हुआ मी यूआई, एमआई यूआई, फिर हुआवे का हुआ इमोशन यूआई, और सैमसंग जो यूज़ करता है टच वेज, और एसुस जो करता है जेन यूआई, तो ये और भी बहुत सारे हैं। लेनोवो का वाइब यूआई कचरा यूआई है, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। तो ये सारे हो गए यूआई जो कंपनीज हैं दोस्तों अपनी तरीके से बनाते हैं, अपने ब्लूप्रिंट डालते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों डिफरेंसेस के बारे में कि इन दोनों चीज़ों में जो स्टॉक एंड्रॉइड कस्टम यूआई है इनमें क्या कुछ आप लोगों को डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। पहला अगर बात करूं दोस्तों स्मूथनेस और स्पीड, तो एंड्रॉइड जो दोस्तों आप लोगों को मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड, वो गूगल का डेवलप किया हुआ एकदम प्योर एंड्रॉइड मिलता है। उसमें ना ब्लोटवेयर होता है, ना एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन होता है, एकदम नॉर्मल एकदम प्योर एंड्रॉइड मिलता है। तो उसका स्पीड आप लोगों को डेफिनेटली कस्टम यूआई से अच्छा मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कस्टम यूआई जो होता है मी यूआई, फॉर इमोशन यूआई, ये सब यूआई एकदम लैग खाएगा, लेकिन जो डिफरेंस है दोस्तों वो आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाएगा स्पीड के मामले में और स्मूथनेस के मामले में। एंड्रॉयड जो होता है दोस्तों स्टॉक एंड्रॉयड, वो काफ़ी स्मूथ होता है यूज करने में, कस्टम यूआई कभी कभी उतना स्मूथ नहीं भी होता है। इसके कारण की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो गूगल जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो हुआ स्टैक एंड्रॉयड, प्योर एंड्रॉयड, उसमें ज़्यादा कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ ब्लोटवेयर नहीं रहता है, जबकि आपको कस्टम यूआई में कंपनी का अपना कस्टमाइजेशन मिलता है, एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है, एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर मिलता है। तो इन सब को अगर मिला के देखा जाए तो एंड्रॉयड प्लस कस्टम यूआई दोनों मिलके इसका जो साइज है थोड़ा तो बढ़ ही जाता है। तो इससे क्या होता है स्पीड तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, आप लोगों को ये थोड़ा नोटिस करने को मिल जाएगा। तो ज्यादा स्पीड डिफरेंस नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को स्पीड में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों ब्लोटवेयर के बारे में कि ब्लोटवेयर क्या होता है। ब्लोटवेयर होता है वो एप्स जो आपको जरूरत नहीं है, जिनको आप यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो एप्स आपके फोन में प्री इंस्टॉल्ड मिल जाए, यानी कि पहले से ही इंस्टॉल्ड हो, और उन एप्स को आप सीधे तरीके से अनइंस्टॉल भी ना कर पाए, ये हुआ ब्लोटवेयर।
ठीक है, तो इससे क्या होता है, कभी कदार मेमोरी सपोज अगर फुल हो गया, इंटरनल स्टोरेज 32 GB इंटरनल स्टोरेज आपका वो फुल हो गया और आपके पास माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट भी नहीं है, ऐसे फोन्स आते हैं माइक्रो एसडी कार्ड के स्लॉट्स के साथ नहीं आते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, अनइंस्टॉल करने का सोचिएगा कोई भी ऐप या फिर कुछ डिलीट करने का सोचिएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है जो आप यूज़ नहीं करते उसको डिलीट करिएगा या फिर अनइंस्टॉल करिएगा। तो वो जो ब्लोटवेयर्स हो है जो दोस्तों, वो उसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाइएगा, तो उस सिचुएशन में दोस्तों आप लोगों को तकलीफ आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ दोस्तों, नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करूँ दोस्तों, तो वो हुआ अपडेट। तो स्टॉक एंड्रॉयड में दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले अपडेट्स मिलता है और कस्टम यूआई में आप लोगों को थोड़ा बाद में मिलता है अपडेट्स। तो अपडेट्स मैंने बहुत लोगों को देखा है दोस्तों, फ़ोन में अपडेट्स आता है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, क्या यार बार बार अपडेट्स आ रहा है, क्यों अपडेट्स करूँगा मैं, MB जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। तो मैं उनको बता दूँ अपडेट्स क्यों आता है, एंड्रॉयड में अपडेट्स या फिर कोई ऐप्स में भी अगर पकड़ लीजिए, अपडेट्स क्यों आता है, वो जो ऐप या फिर वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें जो कमियाँ हैं, उनमें जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करने का कोशिश करता है कंपनी, और वो पूरा करने के लिए आप लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट दिया जाता है, यानी कि वो जो बग्स है दोस्तों, वो जो कमियां है दोस्तों, उनको फिक्स करने के लिए कंपनी अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनको अपडेट करने के बाद, जिनको लेने के बाद आपका जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों, जो बग्स है वो फिक्स हो जाते हैं। सपोज पकड़ लीजिए अभी ज़माना है ओरियो का, ज़्यादातर फोन में नोगट है, फिर भी मैं नोगट का ही बात करता हूँ, नोगट पकड़ लीजिए, और मैं अभी आपको उठा के दूँ जिंजर बेड यूज़ करने, एंड्रॉयड का जिंजर बेड वर्जन यूज़ करने, आपको कैसा लगेगा, आप यूज़ कर पाएंगे सही से, उसका UI उतना स्मूथ लगेगा आपको इससे अगर नोगट से अगर आप कंपेयर करें? तो ये क्यों हुआ, इतना डिफरेंस क्यों आया जिंजर बेड और नोगट में? अपडेट्स के थ्रू हुआ, अपडेट होता गया, इम्प्रूवमेंट आता गया, और स्मूथ होता गया, और स्पीड बढ़ता गया, और भी डेवलप होता गया। तो इसीलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, आपके अगर फ़ोन में अपडेट्स आ रहा है तो आप खुश हो जाइए कि आपके फ़ोन में अपडेट्स आ रहा है। तो स्टॉक एंड्रॉयड में अपडेट क्यों पहले मिलता है? गूगल डेवलप करता है एंड्रॉयड, वो उसका मेन डेवलपर, एंड्रॉयड का मेन डेवलपर है गूगल, तो वो अपडेट प्रोवाइड किया तो उसको एज इट इज़ आपके फ़ोन में मिल जाएगा, अगर आपका फ़ोन के स्टॉक एंड्रॉयड है। अभी जो MIUI आया, एंड्रॉयड 1 स्मार्टफोन जो है, उसमें आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिलता है, या फिर नेक्सस, फिर पिक्सेल, पिक्सेल 2, पिक्सेल एक्सेल 2, इन सभी डिवाइस में आप लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है। तो अपडेट्स जो है दोस्तों काफ़ी फास्ट आप लोगों को काफ़ी पहले मिल जाएंगे, सबसे पहले मिल जाएंगे अपडेट्स। और अगर बात करूँ दोस्तों कस्टम UI वाले फ़ोन की, तो उनमें बाद में अपडेट्स क्यों आता है? क्योंकि उसमें दोस्तों जो कंपनी है उनको थोड़ा अपना इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, अपना थोड़ा कस्टमाइजेशन करना होता है, तो इसके लिए थोड़ा बाद में अपडेट्स आता है। और कुछ कुछ कंपनीज तो ऐसे हैं दोस्तों जो अपडेट्स देना भी बंद कर देते हैं, एक साल तक भी अपडेट्स नहीं देते हैं, ठीक से 7-8 महीने बाद अपडेट्स देना बंद कर देते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कौन सा आपको प्रेफर करना चाहिए, स्टॉक एंड्रॉयड या फिर कोई भी कस्टम UI? तो दोनों पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं दोस्तों। पहला जो हुआ, जिनको स्मूथ UI चाहिए, जिनको ज़्यादा ब्लोटवेयर्स नहीं चाहिए, जिनको एक ऐसा UI चाहिए जहाँ पे वो एकदम नॉर्मल यूज़ कर पाए, नॉर्मल यूजेज के लिए फ़ोन चाहिए, ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, और जिनके लिए अपडेट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, उनको जाना चाहिए दोस्तों स्टॉक एंड्रॉयड की तरफ। दूसरा जो पार्ट है दोस्तों वो है टेकी लोगों का, यानी कि जिन लोगों को कस्टमाइजेशन चाहिए, जिन लोगों को फ़ोन्स घाटने का ज़्यादा शौक है, यानी कि घाटते रहते हैं देखे क्या नया फीचर है, या फिर ज़्यादा फीचर्स चाहिए जिन लोगों को, और जिन लोगों को ऐसा UI चाहिए जिनमें ज़्यादा फीचर्स हों, ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशंस हो। और कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं जो लोग लॉन्चर्स यूज़ करते हैं, तो उन लोगों के लिए दोस्तों स्टॉक कस्टम UI बेटर रहेगा, उन लोगों को शायद से स्टॉक एंड्रॉयड उतना पसंद नहीं आएगा। तो ये तो दोस्तों डिविजन्स दोनों पार्ट में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप कौन से पार्ट से बिलोंग करते हैं, स्टॉक एंड्रॉयड वाला या फिर कस्टम UI वाला। अगर आप कस्टम UI को प्रीफर करते हैं तो कौन सा कस्टम UI आप यूज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ करना पसंद करेंगे, इमोशन UI, MIUI, TouchWiz, Zen UI, हालांकि वाइब UI को मैं लिस्ट में नहीं रखना चाहूँगा, कचड़ा है, या फिर दूसरा कोई भी UI आप अगर यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप यूज़ कर रहे हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा UI आप लोगों को पसंद आता है या फिर आप लोगों को अच्छा लगता है स्टॉक एंड्रॉयड एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। आपको लगा अगर कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आप वो आप लोगों को हेल्प कर पाया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी को। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।